Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to share about my third child and nobody else. He is my Bubble Srivastava. Bubble के आने के बाद हम लोग का लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गया. ये जो Bubble है ना, पता है कौन सा ब्रीड है? Lhasa Apso. ये 15 years तक इसका लाइफ रहता है. और अभी से मेरा बेटा बोला, मम्मा 15 years तक कम लाइफ क्यों है Bubble का? और मेरी डॉटर बोलती है, मामा मैं शादी करने के बाद मैं बबल को अपने साथ ले जाऊंगी. अब एक बबल कितने लोग का डिमांड है और मैं खुद नहीं छोड़ पा रही हूँ. सुबह उठते ही आई नीड बबल, सोने के पहले आई नीड बबल. सो बबल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस इन आवर लाइफ. और एवरीडे मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल पर बात करते ऑफिस जाने के बाद, बबल हाउ आर यू बबल, आई एम मिसिंग यू बबल. तो ही गिव रिस्पॉन्स, ऐसे सर झुकाता है, लेफ्ट राइट करता है. और अभी कुछ दिन पहले ना मैं देखी कि बबल दिख नहीं रहा है, कहाँ है. 10-15 मिनट के बाद मैं जब चेक की तो मेरे बालकोनी पे जो मेरा छोटा सा गार्डन है प्लांट्स का, वो कुछ प्लांट्स इतने एक्सपेंसिव प्लांट्स को पूरा हाउ हाउ करके यू नो पूरा स्पॉइल कर दिया था मेरा गार्डन को. और जो मेरे से डांट, फर्स्ट टाइम बबल उस दिन मार खाया था और लग रहा था कि मैं अपने छोटे बच्चे को मार रही हूँ. और चुपचाप सुन रहा था कि कैसे मेरे को पिटाई पड़ रहा है. और जब वो नीचे जाता है खेलने के लिए, अभी तक तो मैं ज़्यादा लेके नहीं गई, बहुत हार्डली व्हेन ही गोज आउट विद अस, तो मैं 2 मिनट की रोड पे जब छोड़ती हूँ तो ही थिंक कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ भाग जाऊँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. बबल इज ऑलवेज रेडी टू गिव अ पोज लाइक मी. जैसे मैं रेडी रहती हूँ 24/7 पोज के लिए, क्लिक करवाने के लिए फोटोग्राफ, मेरा बबल एनी टाइम फोटो क्लिक कराने के लिए वो बैठ जाएगा, वीडियो भी दिलवाएगा, अच्छे से एक्सप्रेशन देगा. तो ही इज ऑल्सो, बच्चों को अब जैसा ट्रेनिंग दोगे वैसे ही. तो बबल को मैंने ऐसे ही ट्रेनिंग दिया है कि उसको क्लिक करवाना है तो पोज देना है, हेल्दी खाना है तो बचपन से इसको हेल्दी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पॉटी शिशु कहाँ करना है तो उसको पता है जगह पे. अब बच्चे को जैसे मोल्ड करते हो ना, वैसे ही बच्चे का ब्रॉटअप होता है. तो बबल को हम लोग वैसे ही मोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चे को ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, क्योंकि मेरे को अपने दोनों बच्चे का ट्रेनिंग बिल्कुल याद है. और हम लोग अपने बबल को लाने का डिसीजन ऐसे लिए ना कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो स्ट्रीट डॉग देख रहे थे, काफ़ी लोग लोनली डॉग्स फील कर रहे थे. उन लोगों के पास कुछ खाना नहीं था तो हम लोग बिस्किट्स लेके आते थे, दूध लेके आते थे, अब स्ट्रीट डॉग को जाके फीड करते थे. तभी मेरी बेटी बोली कि मम्मा प्लीज़ हम लोग भी एक डॉग ले लेते हैं. तो इस तरह से हमारे घर बबल आ गया. और कोई भी पेट हो, कोई भी एनिमल हो, हमारे घर पे या घर के बाहर आप उसको थोड़ा सा फीड करोगे ना तो आप लोगों को खुद इतना सेटिस्फैक्शन, इतना अच्छा लगेगा. तो ज़रूरी नहीं कि आप पेट घर पे ही रख के आप फीड करो, आप मंथ में 2 दिन भी जाके फीड करके आओगे ना, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा. और मेरे बच्चे, मेरी बेटी ना 1 वीक रिसर्च की इसके नाम के लिए. पूरे फ्रेंड्स फैमिली में हल्ला हंगामा, हमारे पास पेट आ रहा है उसका क्या नाम रखा जाए. पूरा सर्च करने के बाद मेरी डॉटर को जब कोई एडवाइस करता था, पुट दिस नेम दैट नेम, शी सेड नो आई विल नॉट टेक एनीवन एडवाइस. तो वो खुद सर्च करके और बबल नाम निकाली. बबल फर्स्ट डे घर आया बिल्कुल स्केयर्ड, बहुत डरा हुआ, एक अपने कंफर्ट जोन में, एक मेरे बेडरूम के अंदर ही रह गया वो 2 दिन तक, वो निकला ही नहीं. शुशु पॉटी खाना वहीं पे. बट धीरे धीरे जब ये फ्रेंडली हुआ, मेरे बच्चे भी कंफर्टेबल हो गए इसके साथ और इन्जॉय करने लगे, और ये धीरे धीरे इसका खाना पीना सब एडजस्ट होते गए, और ये बिल्कुल हमारे फैमिली में बिल्कुल लगा ही नहीं कि बबल कभी दूर रहा हमारे पास से. और अच्छे से ये खाता पीता है. और अब तो ये खाना पीना, जब ये नाउ ही इज अराउंड 4 मंथ, तो डॉक्टर बोला कि आप इसको अच्छा खाना दे, क्योंकि तो नॉनवेज, जब मैंने नॉनवेज स्टार्ट होने के पहले ना बबल को हम लोग ना वेजिटेबल्स का आदत डाले, हम लोग सोचे कि चलो हम लोग इतना हेल्दी लाइफस्टाइल है तो बबल को भी हेल्दी लाइफस्टाइल रहता है. और बच्चे को तो आप जो सिखाओगे वही सीखते हैं बिगनिंग में ही. और बबल को हमें ना एप्पल से चाट के, कैरेट, हम सोचे कि इसको जबरदस्ती का वो प्लास्टिक का टॉय देने से इसको च्यू करेगा तो अनहेल्दी रहेगा इसके लिए. फिर बबल को हम लोग प्लास्टिक टॉय के बदले हम लोग इसको कैरेट दिए च्यू करने के लिए, एप्पल, कुकुम्बर, और ये च्यू क्या वो खाने लगा और हम लोग इतना खुशी हुआ. और डॉक्टर बोला कि अब इसका चेक करो, पेट तो खराब नहीं हुआ, और बिल्कुल पेट नहीं खराब हुआ. और इसका इतना हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है कि सुबह 6 बजे उठता है हमारे साथ,
योगा करता है, जॉगिंग भी करता है, खेलता कूदता, फ्रूट खाता है और एग्रेसिव भी बहुत है, बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। और फिर जब ये नॉनवेज स्टार्ट किया तो मेरे को सडनली लगा कि ये डजंट वांट टू ईट वेजिटेबल्स नाउ। तो मैंने क्या किया कि चिकन के अंदर ही पालक, कैरेट सब कुछ मिक्स करके राइस के साथ चिकन बना के इसको लंच देने लगे। और ये बहुत प्यार से सब वेजिटेबल्स के साथ चिकन रोज खाता है, ये रोज भी नहीं कभी कभी, अभी हाँ 3-4 दिन से रेगुलर जब खा रहा था मेरे को लगा कि ये वेजिटेरियन फ्रूट भी नहीं खा रहा है, तो इसका ना नॉनवेज बंद कर दिए 2 दिन से, पनिशमेंट मिल गया इसको अभी। और अभी वेज वापस से खाने लगा, सारा जो भी खाना इसका है डॉग फूड ही स्टार्टेड ईटिंग। बबल बहुत फ्रेंडली पेट है ये हमारा, और हम सबका घर पे एकदम दिल जीत लिया है हम लोग का। और हम लोग का जो एक कमी महसूस हो रहा था घर के अंदर स्पेशली लॉकडाउन में ना, ये सारा कमी पूरा कर दिया हम लोग के लाइफ में आके। लग रहा है कि घर में एक तीसरा बच्चा आ गया है, और हर टाइम हम लोग बबल 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 का खाना, बबल का कॉम करना, इसका डेली ड्राई शैम्पू बात करते हैं हम लोग, फिर इसको नहलाए हम लोग फर्स्ट डे, इतना प्यार से वो नहाया ये, हम इसका टिक्स निकालते हैं, और एकदम जैसे अपना घर का खुद का बच्चा है ना वैसे केयर कर रहे हैं। और हम लोग इतना खुशी मिल रहा है बबल से, बबल का इतना फैन फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, इसको इतने इम्पोर्टेंस मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि हम लोग को एक इंस्टाग्राम का फैन पेज खोलना पड़ गया इसके लिए। लासा आपसे जो है ना डॉग बहुत हाई मेंटेनेंस है, मतलब हाई मेंटेनेंस डजंट मीन कि यू आर गोइंग टू एक्सपेंड लॉट्स ऑफ मनी, वो तो है ही, बट अब घर के अंदर पे भी इसका बहुत केयर है। अगर हम इंसान 2 बार बाल झाड़ रहे हैं तो ही ऑल्सो नीड 2 टाइम्स का ग्रूमिंग करना पड़ता है, प्रॉपर टॉवल से क्लीन करके का मेडिसिन देना है, अच्छे हेयर ग्रोथ के लिए आई एम गिविंग हिम हेयर यू नो फिश ऑयल टैबलेट आता है जो उसको हम लोग देते हैं इसके अच्छी ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के मल्टी विटामिन खाता है। और ये इतना क्रैंकी भी है ना, ये सोने का भी एक जगह फिक्स कर रखा है, चाहे मेरे डॉटर के बेडरूम में सोना चाहेगा या मेरे बेडरूम में, ही नीड्स AC 24/7। अगर बाई चांस AC ऑफ है तो यू वॉन्ट टू स्लीप इन द टॉयलेट क्योंकि उसका फ्लोर बिल्कुल ठंडा रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आप लोग को बबल का ये YouTube वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा ये बोल रहा है ना बबल। बाय बाय, सी यू, बाय बाय।